गाइज ऑल अबाउट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSBC यानी कि सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के बिहार पुलिस का, जो बिहार पुलिस यहां पे देख सकते हैं, बिहार पुलिस बिहार होम गार्ड कांस्टेबल ड्राइवर का जो यहां पे एडमिट कार्ड PT के लिए आ चुका है उसी के बारे में हम देखेंगे, कैसे इसको डाउनलोड करना है और क्या इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित है और क्या आपको रूल्स फॉलो करते हुए आपको PT का एग्ज़ाम देने जाना है, ड्राइवरी लाइसेंस आपको कैसे ले जाना है, रिन्यू कराना है, कैसे क्या करना है और साथ ही कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और क्या नोटिफिकेशन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा गया है एडमिट कार्ड, यहाँ पे देख सकते हैं आज 12/6 का डेट है यहाँ पे, लेकिन आपका एडमिट कार्ड 13/6 यानी कि आज से डाउनलोड होगा। साथ ही देख सकते हैं PT से संबंधित यहाँ पे जो आपका नोटिस है यहाँ पे है, इसे हम लोग ओपन करके देखते हैं। ये इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल के साथ देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो लगातार बेसिस पे आपके लिए लाते रहते हैं, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आपके पास तुरंत लाने का काम करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये वैकेंसी यहाँ पे 20/10/2019 को प्रकाशित किया गया था, देख सकते हैं। और यहाँ पर इसका एग्ज़ाम, यहाँ पर एग्ज़ाम का जो रिजल्ट था, यहाँ पर लिखित परीक्षा हुई थी और इसमें देख सकते हैं 29/12/2019 को यहाँ पे फर्स्ट पाली में एग्ज़ाम इस तरह करके हुआ था और 29/5/2020 को प्रकाशित यहाँ पे परीक्षा फल प्रकाशित हुआ था, अर्थात रिजल्ट यहाँ पे 29/5 को इसका प्रकाशित हुआ था। और इसके PET एग्ज़ाम डेट की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे PET एग्ज़ाम आपका, अर्थात शारीरिक दक्षता जाँच यहाँ परीक्षा PET एग्ज़ाम आपका 3/7/3 जुलाई से स्टार्ट है। और देख सकते हैं एड्रेस भी लिखा हुआ है 3 जुलाई से, शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग पटना, यहाँ पे ये एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस आपको इम्पोर्टेंट है, नोट कर सकते हैं यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद सिंह, ऐसे आपका एडमिट कार्ड पे एड्रेस होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका PT सेंटर यहाँ पे दिया गया है। शारीरिक दक्षता यहाँ पे और पढ़ सकते हैं, शारीरिक दक्षता जाँच PT हेतु प्रवेश पत्र 13/6 यानी कि आज से रात को 12 बजे यहाँ पे एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। वेबसाइट आपका देख सकते हैं यहाँ पे www.csbc.bih.nic.in, ये मैंने इसका ऑफिशियल वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट जा करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बिहार होम गार्ड यहाँ पे गार्ड टैब पर उस क्लिक करके डाउनलोड करना। अभी हम बता दे रहे हैं आपको कैसे डाउनलोड करना है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं और क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है आप पढ़ सकते हैं। कार्यालय में पूर्वाह्न 10 बजे से संध्या 5 बजे के बीच अपने डुप्लीकेट प्रवेश पत्र अपने खर्च पर प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं, कि आपके पास डाक द्वारा कोई भी यहां पे कुछ नहीं भेजा जाएगा। फिर लिख पढ़ सकते हैं यहाँ पे चयनित अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता जाँच की तिथि समय और स्थान की जो भी स्थान होगा समय कितने बजे आपका PT होगा, ये सारे चीज़ आपके प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड पर यहाँ पर दिया जाएगा। और सारे नोटिफिकेशन यहाँ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आपको क्या क्या आपको PT के दौरान लेकर के जाना है यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। वैध फोटो युक्त पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो, मतदाता पहचान पत्र हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी आपको चाहिए। साथ ही वाहन चालक यहाँ पे जो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वो देख सकते हैं, रिन्यू कितने का होना चाहिए 20/10/2019 से कम 1 वर्ष पूर्व या इतना तक होना चाहिए, मतलब आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे HMV और LMV यहाँ पे जो होना चाहिए पूरा डिटेल लिखा गया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सारे ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं आपके पास जो इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे लगे उसे आप फॉलो कीजिए। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, उसको देख लेते हैं। देख सकते हैं आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए फिर से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं 12/6 यहाँ पे इसमें आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के आगे डाउनलोड एडमिट कार्ड ई एडमिट कार्ड लिखा हुआ है फॉर PET, इसको क्लिक करना है। आइए हम इसे क्लिक करके देखते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन, फिर डाउनलोड होम गार्ड कांस्टेबल, इस पर क्लिक करना है, फिर आपको इस पर क्लिक करना है। अब हम क्लिक करके देखते हैं क्या आता है। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है, रजिस्ट्रेशन आईडी आपको पुट करना है या मोबाइल नंबर आपको पुट करना है, साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे पूरा, और यहाँ जो कैप्चा आपको नीचे दिख रहा है इसे यहाँ पे फिल करना है, या आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो या फिर मोबाइल नंबर हो या और साथ में डेट ऑफ बर्थ, तो किसी दो के मदद से, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ या फिर मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के सहारे आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।